नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार ने चुनाव और चुनाव से पहले अपने पिछले कार्यकाल में एक मुद्दे पर जमकर कार्रवाइयां की और वो मुद्दा था बुलडोजर का। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के लगातार विपक्ष और विपक्ष के साथ साथ कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जमकर किया और विरोध भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस बात को कहा जाता रहा है कि हम बुलडोजर की कार्रवाई उसी के ऊपर करते आए हैं जिसने कहीं ना कहीं सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और इसके अलावा जिसने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं उनके ऊपर ये कार्रवाइयां हुई हैं। लगातार इस बुलडोजर कार्रवाई को दूसरे दूसरे प्रदेशों ने भी अपनाया। बाबा का बुलडोजर दूसरे दूसरे प्रदेशों में भी बोलने लग गया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन जगहों पर भी बुलडोजर की कार्रवाई काफी प्रचलित रही है। और अभी हमने पिछले दिनों भी देखा कि एक क्रिकेट मैच में भी एक प्रशंसक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ और बुलडोजर के साथ नजर आया और उसने वहां पर भी जो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैच खेला जा रहा है उसमें भी उसने बुलडोजर कार्रवाई का जो वीडियो है वो शेयर किया है। उसके बाद अगर हम देखें आज का मामला, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम याचिका को लेकर के सुनवाई होनी थी, सुनवाई हुई भी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई जिस तरह से चल रही है वो उसी तरह से चलती रहेगी। पहले भी कहा था और उसके बाद आज सुनवाई की तारीख थी और अब ये सुनवाई 10 तारीख को फिर से होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को लेकर के किसी भी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से जवाब मांगा गया था पिछली सुनवाई में और सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है कि समाचार पत्रों को आधार नहीं बनाया जा सकता है, खबरों को आधार नहीं बनाया जा सकता है। हमारी तरफ से जो भी कार्रवाइयां की जा रही हैं वो सारी नियम अनुसार ही की जा रही हैं। पहले नोटिस भेजा जाता है, नोटिस चस्पा किया जाता है और उसके बाद जो भी व्यक्ति है जिसने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। उसका जो भी मकान है, अपार्टमेंट है, दुकान है, कॉम्प्लेक्स है, उसको धाराशाही करने की जो कार्रवाई है वो की जा रही है सरकार की तरफ से और उसी कार्रवाई को बुलडोजर कार्रवाई का नाम दिया गया है। ये बुलडोजर कार्रवाई उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में भी अब प्रचलित है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें बीते दिनों में जिस तरह से प्रयागराज और कानपुर में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह से बवाल हुआ और उस बवाल के बाद सरकार की तरफ से जो कार्रवाई हुई थी बुलडोजर को लेकर के, बुलडोजर कार्रवाई, उस कार्रवाई को जमियत उलमा ए हिंद एक संस्था की तरफ से चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और ये कहा गया था कि सरकार की ये जो बुलडोजर की जो ये कार्रवाई है ये एक वर्ग को ध्यान में रख करके करी जा रही है, मतलब एक विशेष वर्ग के ऊपर ही ये कार्रवाई की जा रही है। ये किसी भी तरह से नियमों पर आधारित नहीं है, ये नियमों के उल्लंघनों के साथ इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं वो हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर संज्ञान लिया, सुनवाई की और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा था कि अगर इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं और इस कार्रवाइयों से जुड़े हुए ये प्रश्न हैं इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। जवाब पिछली सुनवाई में जो थे वो जमा किए गए थे सरकार की तरफ से और उसमें ये कहा गया था कि हमारी तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही हैं वो सभी नियम के साथ हो रही हैं, नियमों के विरुद्ध कोई भी काम नहीं हो रहा है। उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की ये इसी तरह से चलती रहेगी, बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक नहीं लगेगा और इसके अलावा ये भी कहा है कि अब हम 10 तारीख को इस पर कहीं ना कहीं आने वाली 10 अगस्त को सुनवाई एक बार फिर से करेंगे, लेकिन अभी हम किसी भी तरह से कोई भी आदेश नहीं जारी करेंगे कि इस कार्रवाई पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। भारत में हर व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक भारतीय है, इस कार्रवाई को धर्म से ना जोड़ा जाए, इस तरह के कमेंट्स भी जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर सरकार की इस कार्रवाई को क्यों कोर्ट तक चैलेंज किया गया, क्यों एक वर्ग को ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है और इस वर्ग के अंदर ये डर क्यों है, जबकि सरकार की तरफ से जो 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 लिस्ट तैयार की गई थी, अगर हम पिछले लिस्ट की बात करें तो करीब 37 लोगों का नाम उसमें था और 37 में से 15 से 18 लोग ऐसे थे जो कि मुस्लिम नहीं थे। तो क्यों ऐसे संगठनों को ये लग रहा है कि जानबूझकर ऐसे संगठनों को ये लग रहा है कि जानबूझकर के ऐसे धर्म के जो मुस्लिम धर्म है उनके ऊपर जानबूझकर इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूं। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं।
नगर निकाय के सभी नगर आयुक्तों को, विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्षगण हैं, वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़ें। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं आप। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए, व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। बरसात का मौसम आ गया, हम लोग कहाँ जाएं? आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं अधिकारी से, क्या चाहते हैं? चाहते हैं कहीं हम लोग को बसाने के लिए जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? नहीं, किसी अधिकारी से नहीं किया, बिना सोचना बिना नोटिस का। आपने शिकायत किया है कहीं? हम लोग कुछ बंदी था, रिपोर्ट नहीं दे पाए डीएम साहब, और गए थे वहाँ बंद था, वहाँ से लौट काम चले आए। पांच आदमी का उजाड़ा है। जब घर उजाड़ा जा रहा था कोई कुछ कह रहा था, बताया कि क्यों उजाड़ रहा है? मुँह से आता है, कहता है खाली कहता था, खाली कहता था, घुटी धमकी दे करके जबरदस्ती से। और हम काम करना चल गए गामे पर, मैं आ रहा हूं मार्केट गए लानी, घर पे केहू ना रहे, आके एक बैग उजाड़ उजाड़ के सब तूर फाड़ के सब सामान आधा मिलल आधा डब्बा गेल सब। एक लाख के हमनी के संपत्ति वही में सब नुकसान हो गए। हमनी के कहाँ जाएं जाया, हमनी के कहीं रहले के व्यवस्था करी, हमनी के रहले के व्यवस्था करी, नहीं तो हमनी के हत्या कर दे जाए। लड़का लड़की बोरू बछरू परिवार के साथ हत्या कर लेबा जाए, रहना जाए यही नाव पर, यही गांव पर, यही धरती पर, दिखला देवल जाए कि हाँ हमनी के हत्या हो गई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि गरीबों की बस्तियों को, गरीबों की झोपड़ियों पर बुलडोजर की कार्रवाई ना हो। और कुछ लोगों के बयान अभी मैंने आपको सुनवाए जिसमें ये बताया जा रहा है कि इनकी झोपड़ियां थी, इनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि सरकार की तरफ से नियमों के साथ ही कार्रवाइयां हो रही, हम अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं देंगे। और सरकार भी इस जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों में उन्होंने ये जवाब दाखिल किए हैं कि हमारी तरफ से भी जो कार्रवाइयां हो रही है वो नियमों के साथ ही हो रही है। मेहमानों को जोड़ता हूं, अश्विनी शाही साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा हमारे साथ नितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जावेद अहमद साहब जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है जावेद जी। आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर के रूप में जुड़े हुए हैं, और सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। मैं सबसे पहले शाही साहब आप ही के पास आना चाहूंगा। बुलडोजर कार्रवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान हो गई है। शाही साहब आप लोग बोल रहे हैं कि बुलडोजर इंसाफ करता है, न्याय करता है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले गए, वहां पर इन्होंने चैलेंज किया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज ये कहा गया है कि अभी ये कार्रवाई इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन इन लोगों की तरफ से ये बात क्यों कही जा रही है कि एक धर्म को टारगेट करके इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही? देखिए नितिन जी, ये कहना इन लोगों का अपना बनता है, जो लोग आरोप लगाते हैं सरकारों पर, आरोप लगाना कोई वो चीज नहीं है। जो भी चोर होगा, जो बदमाश होगा, जो वो हमेशा कहेगा मैंने चोरी नहीं की, मैंने बदमाशी नहीं। देखिए ये जो बुलडोजर चलता है, ये बुलडोजर एक एक्ट के तहत जो है सबके यहाँ चल रहा है, सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आप कैसे चलाते हैं, आपको हम रोक नहीं सकते हैं, आप कानून के तहत ही चला सकते हैं, नोटिस जिसमें दिया जाता है, और नोटिस देकर हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। यूपी अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का जो है 1973 की एक एक्ट है, इसके अंतर्गत धारा 27 के अंतर्गत किसी भी विकास प्राधिकरण को चाहे उसको गिराने का अधिकार है, अगर वो अर्हता कोई मकान पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको गिरा दिया जाता है। नोटिस लोग नहीं लेते हैं, नोटिस को चस्पा कर दिया जाता है, उसके बाद कहते हैं हमने नोटिस लिया ही नहीं, वो झूठ बोलते हैं, उसके बाद वहां पर कार्यवाही होती है। और किसी एक वर्ग की बात नहीं है, अभी एक जितने अपराधी हैं, विकास दुबे का घर गिराया गया वो अपराधी था, कोई कहते कि सही उसका गलत किया गया, जगत नारायण सिंह वो मुस्लिम नहीं थे, उनका घर गिराया गया, वो अपराधी थे, उन्होंने गोरखपुर में जो है एक हत्या हुई थी उसमें वो वांछित थे, उनका घर गिरा दिया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण में 150 बीघा जो जमीन थी उसको उसमें अवैध निर्माण हटवाया गया, सब उसको खाली कराया गया, वो मुस्लिम की नहीं थी। सहारनपुर में कुछ घर उसमें हटाए गए, कुछ गिराए गए, उसमें जो है जितना सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख के दिया है कि वो कानूनी तौर पर जितना अवैध निर्माण था उतना ही गिराया गया।
नोएडा में 134 और 135 में वो वहां पर डूब क्षेत्र में लोगों ने कब्जा कर लिया था, वहां बुलडोजर चला था। तो ये तो प्राधिकरण के चीज है, जो नियम का पालन नहीं करेगा उसका घर गिराया जाएगा, उसको जो अगर अपराध करेगा। अच्छा, इसे धर्म से ना जोड़ा जाए, जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि धर्म से जोड़ा जा रहा है, इसको धर्म से बिल्कुल ना जोड़ा जाए, ये क्लियर हो ना जोड़ा जाए। मैंने तो जो उदाहरण दिए उसको धर्म से कहां जोड़ना है बताइए, उसमें कौन सा मुस्लिम नाम ले लिया मैंने, ये सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं ये लोग। ठीक है सर, मैं आता हूं। आज जमीयत जो गई थी सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, वो किसके लिए गई हुई है? जो दंगाबाज हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, आज उनके आकाओं को, जमीयत को, देवबंद को और उन पार्टियों को जो इनके इन पत्थरबाजों के आका थे, उनको सदमा लगा है इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सदमा लगा है। और पत्थर, और एक लाइन में खत्म करता हूँ, जो पत्थरबाज आगे पत्थर चलाने की सोच रहे थे, अपने छतों को साफ करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, और जिसने अवैध बनाया था उन्होंने अपने मकान और दुकान को खुद तोड़ना शुरू कर दिया कि बुलडोजर ना आ जाए पूरा नगर। ठीक है सर, मैं आता हूँ। नितिन यादव जी हमारे साथ सपा से हैं। नितिन जी, शाही साहब की बात आपने सुनी, बुलडोजर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा ये भी आपको पता है। शाही साहब कह रहे हैं कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, किसी भी धार्मिक मामले को लेकर के ये कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, किसी धर्म विशेष के ऊपर ये कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, जिन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित कर रखी हैं, अवैध संपत्तियां बनाई रखी हैं, उन्हीं के ऊपर ये कार्रवाई हो रही है। आप राजी हैं, आप मानते हैं इस बात को, सहमत है इससे? नहीं, 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 दो तरीके से कार्रवाई होती है। ये सच बात है कि इसको धर्म के चश्मे से ना देखा जाए, उसको किसी मजहब के चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति गरीब है, कमजोर है, और उसको बिना नोटिस के, जैसे अभी आपने दिखाया पीड़ित बच्चे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि इस तरीके के जो लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, गांव से आते हैं पलायन करके, और लेबर हैं, मजदूर हैं, और वो कहीं झोपड़ी बना लेते हैं, रहने लगते हैं। पूर्व में सरकारों में ऐसा होता था कि अगर वहां जमीन में कहीं हो गया है तो उनको कहीं ना कहीं कॉलोनियां बनाई जाती थी, विस्थापित किए जाते थे, और फिर उनको वहां सेटल किया जाता था, उनके आवास की व्यवस्था करने के बाद फिर वहां से हटाया जाता था। जो अभी इस सरकार में बिल्कुल नहीं हो रहा है, वो बुलडोजर एक तरफ से जब चल रहा है तो चलता ही जा रहा है, दूसरा ये झोंक में जो अलमनामा देके आए हैं सरकार के लोग कि हम बिल्कुल नियम से कर रहे हैं, कानून से कर रहे हैं, हम सिर्फ माफियाओं के खिलाफ कर रहे हैं। मैं कानपुर का उदाहरण देता हूँ। कानपुर के कुछ मामलों में कुछ लोग वांछित थे। एक व्यक्ति एक घर में किराए पे रहता था, अब वो एक मामले में वांछित हुआ, सरकार गई और उस मकान मालिक का घर गिरा करके आए। आप बताओ, वो क्लेम मांगता घूम रहा है, तो आप बताइए वहां वो मकान में कोई व्यक्ति किराए पर आ गया और किराएदार ने कोई अपराध किया तो उसमें मकान मालिक का क्या दोष था, उसका घर आप क्यों गिरा देंगे? अरे किराएदार था, पकड़िए, उसके जो कानून सम्मत सजा है उसको दीजिए, वो जेल गया, सब कुछ हुआ। लेकिन आप इस तरीके से घर गिराने लगेंगे तब तो मुझे लगता है किसी का घर बचेगा ही नहीं। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार दोहरे चश्मे से देखती है, इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, लेकिन आप देख रहे हैं कि नगर निगम या इनके जो विकास प्राधिकरण के लोग हैं, क्या उनका जो आदेश है उसका अनुपालन कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आपने अभी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि पीड़ित पक्ष के लोग किस तरीके से सड़कों में बिना किसी नोटिस के, बिना किसी उनको वार्निंग के, बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के आपने उनको उजाड़ दिया। तो ये मेरा कहना है कि ये सब ये सरासर निंदनीय है। हाँ, जो अपराधी है या भू माफिया जिसने अवैध निर्माण कर रखा है तो उसके लिए अर्बन एक्ट में और विकास प्राधिकरणों के पास उनको अधिकार है कि इस तरीके की बिल्डिंगों को आप नोटिस दें, कंपाउंडिंग करें, और जो अगर उससे भी अधिक है तो टोटल अनलीगल है, उसके दोषीकरण की भी कार्रवाई होनी चाहिए। छोटे मोटे किसी ने छज्जा बढ़ा लिया है, किसी ने उसका सर्ट बैग छोड़ने में कोई गलती कर दी तो वहां उसकी कंपाउंडिंग की व्यवस्था भी है कि आप उसको नोटिस दीजिए, वो आपके यहाँ पेश होगा, आप उसको कंपाउंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाइयां जो हो रही हैं, जो द्वैध भावना से नहीं हो, जो अनलीगल है, जो अवैध है, जो पूरी तरीके से कानून के विरोध में, तो उस पे किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल कि अगर दुर्भावना से किसी विपक्ष को आप चिन्हित करके करने, ये गलत। ठीक है, ठीक है। झोंक पे आप किराएदार है मकान मालिक का, मकान गिरा देंगे, ये ठीक नहीं। ठीक, शाही साहब क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे, जल्दी से बोलिए। मैं अपने नितिन जी को बताना चाह रहा हूँ कि जो अपराध कर रहे हैं, जो अपराधी होते हैं, पुलिस उनके बारे में खंगालती है चीजें,
और उसमें उस खंगालने में ये भी आता है कि कहां पर इन्होंने अवैध बना रखा है। जिस किराएदार की बात कर रहे हैं, हो सकता है उस किराएदार ने ही गलत बना रखा हो और अपराधी उसमें रह रहा हो। ऐसा नहीं है कि अपराध की वजह से गिरा दिया गया, वो उस नियम कानून के दायरे में आया होगा तो गिराया गया होगा। और यहाँ तक भी इसमें है फर्जी डिग्री, वो भी उसको जो है वो भी उसको हटाने का काम करेगी सरकार, पुलिस जो है। कहीं से भी कानून के दायरे में रहकर काम किया जाएगा, उसके बियॉन्ड कहीं कोई काम नहीं होगा। ठीक है मैं आता हूँ आप लोग के पास। जावेद अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। जावेद भाई बहुत स्वागत है आपका। मैं ये जानना चाह रहा था जावेद भाई कि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था कि सारी जो कार्रवाइयां हो रही है वो नियम के साथ ही हो रही है, नोटिस दिया जा रहा है, नोटिस चस्पा किया जा रहा है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम इस पर कोई भी रोक नहीं लगाएंगे। आपको लग रहा है कि ये धर्म के नाम पर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो याचिकाएं पड़ी थी उन याचिकाओं में साफ तौर पर इस चीज का जिक्र किया गया था? देखिए नितिन भाई, अगर जिस याचिका की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं उस याचिका की बात करूंगा, उस संगठन की बात करूंगा, तो ये अभी राजनीति की तरफ बढ़ जाए। लेकिन एक सच्चाई है कि ये याचिका क्यों डाली गई और किसने डलवाई। ये जो संगठन है जिस पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, इसके बड़े बड़े पदाधिकारियों के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत गहरे रिश्ते थे। अच्छा, वो पदाधिकारी प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गुजरात में उनके सरकारी मेहमान भी होते थे। अच्छा, अब मामला ये है कि इसमें हमें राजनीति करनी है तो हम राजनीति करेंगे। जो लोग राजनीति करते हैं वो राजनीति करेंगे। मैं भी कल तक राजनीति कर रहा था, मैंने त्याग दिया, उससे छुट्टी ले ली। लेकिन निश्चित रूप से जो एक बात है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, जो माफिया हैं जिन्होंने अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जन किया है, जिन्होंने सरकारी भूमि पर कब्जा किया है, जिन्होंने एक मंजिल का नक्शा पास कराकर तीन मंजिलें बनाई हैं, जिन्होंने बिना मानचित्र स्वीकृत कराए हुए मकान बनाया है, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हर राजनीतिक दल, हम आप सब जानते हैं, अश्वनी भाई ने जो जवाब दिया, इतना भोला जवाब जो है वो हर सत्ताधारी दल देगा और हर सप्ताह के समय इस तरीके का होगा। कौन नहीं जानता है कि बिना तहसील के कर्मचारियों के अधिकारियों की इच्छा के कोई सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकता है? ये कोई आज की बात नहीं है, ये सदैव होता रहा है। क्या किसी व्यक्ति की इतनी हैसियत है, वो चाहे जितना पैसे वाला हो, आज जो शहर दर शहर कंक्रीट के जंगल खड़े हुए हैं, वाणिज्यिक भवन खड़े हुए हैं, जो आवासीय भवन खड़े हुए हैं, ये किस तरीके से इनका आवासीय नक्शा जो है पेश किया जाता और उसके बाद उसको काट छाट करके दुकानें बनाई जाती हैं, फ्लैट बनाए जाते हैं और बिक्री होती है। पीठ का जेई उस पर पूरी निगाह रखता है और उसका चपरासी वसूली करता है, और अधिकारी अपने को बचाए रखने के लिए, ये हम सत्य बता रहे हैं, यही सत्यता है। चाहे अश्वनी भाई हो, नितिन भाई हो, नितिन जी हो, कोई भी हो, हम आप सब अगर मकान बना रहे हैं तो चपरासी आता है जेई का संदेश लेकर, वो जेई से बात कराता है, बातचीत होती है, डील होती है कि आप यहाँ तो व्यवसायिक भवन बनाने के लिए समय सीमा निर्धारित है विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की तरफ से कि 3 महीने में आप इतना बना लीजिए, हर महीने का इतना चाहिए, आप स्वीकृत कराए या ना कराए। ये अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल होती है। ये जो नोटिसों की बात सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने कही है, एक भी नोटिस ये किसी भी अवैध निर्माणकर्ता को नहीं देते, ये सिर्फ अपनी बचत के लिए फाइल में लगा के रखने का काम करते हैं। अच्छा। और उधर मिठाई के डिब्बे में कुछ और भी लिखते रहते हैं। ये उसमें लिख देते हैं कि वहां पर अवैध निर्माणकर्ता मिला नहीं, एक चपरासी का, एक किसी चलते फिरते व्यक्ति का हस्ताक्षर करा लिया, वो फाइल में लगा दिया। जब मामला बिगड़ता है तब ये स्थितियां होती है। दूसरी बात, अभी उससे महत्वपूर्ण बात है, नितिन जी ने भी कहा कि वो मकान ही उसका नहीं था, उससे बड़ी बात है, अगर अश्वनी भाई इसको धार्मिक या राजनीतिक चश्मे से ना लीजिएगा, ये किसी भी सरकार के समय हो सकता है। प्रयागराज में जिस जावेद पंप का मकान गिराया गया, नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम से आई। अच्छा। 2 दिन ध्वस्तीकरण के 2 दिन पूर्व उसके दरवाजे पर लगाई गई, लेकिन वो मकान तो वो भूमि उसके नाम ही नहीं है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण को जब ये नहीं पता कि इस संपत्ति का स्वामी कौन है, नोटिस वो अश्वनी भाई आपके नाम भेज दे और अश्वनी भाई वहां पर रह रहे किराए पर,
या वो हमने गिफ्ट कर दिया है और वो जमीन आज भी मेरे नाम है। तो प्रयागराज प्राधिकरण के जिन अधिकारियों ने कार्रवाई की इस तरीके की, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मकान किसी का बता, आपने किसी का दिया? कल हाई कोर्ट में वो मुकदमा गया है, जब वो स्थिति साफ होगी, कोर्ट जब फैसला देगा तथ्यों के आधार पर देगा, तब सरकार की क्या किरकिरी नहीं होगी? सरकार को इससे नहीं बचना चाहिए। फैसला आ जाने दीजिए जावेद भाई। नहीं नहीं, फैसला आ जाने दीजिए, फैसला सरकार पर भी भरोसा रखिए। अश्वनी भाई, सरकार वो न्यायपालिका पर हमको सब पर भरोसा है। अब तो सत्ताधारी दल की स्थिति, अगर हम वो कहेंगे कि अगर उसके विपरीत फैसला आएगा तो किस तरीके से ट्रोल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट तक, ये हमने आपने सबने देखा। मैं इंतजार तो सब कर रहे हैं, वो जब भी फैसला आएगा तथ्यों के आधार पर आएगा, और तथ्य जो है वो किसी पर्दे में नहीं छिपते, जो सत्य है उसको कितना दबाएंगे। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ। जावेद पंप ने जो किया, उसकी बेटी ने जो किया, उसकी सजा उसको कानून देगा। लेकिन मैं दूसरा मामला कि बदले की कार्रवाई कैसे होती है। तहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप 2021 में लगा। पेट्रोल पंप लगने के पहले उसको जिला प्रशासन उसको एनओसी देता है, उसके कागज के आधार पर, उसके मानचित्र के आधार पर जिला प्रशासन एनओसी देता है। उसके पूर्व पेट्रोलियम कारपोरेशन, जिसका भी वो पेट्रोल पंप आवंटित हुआ है, वो उसके सारे दस्तावेजों की एफआई करता है, उसके बाद पेट्रोल पंप लगता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपके विचारधारा के विरोध में अगर कोई शब्द बोलता है तो आप उसको ध्वस्त कर देंगे। मेरा कहना है सनी भाई, ये कोई भी सरकार हो, आज आपकी है, कल सपा की आएगी, परसों कांग्रेस की आएगी। अरे जावेद भाई, आप तो कांग्रेस में रहे, सपा में रहे, जब तक आप खराब बोलते रहे, आपके अगर कुछ कार्यवाही हुई? आप भी तो उसमें है, कार्यवाही कोई दे रहे क्या? अरे नहीं हुई कार्रवाई जब होगी ना, आप इसको क्यों मान रहे? जो अपराधी होगा उसके साथ नहीं दे रहे हैं, आपसे नहीं हुआ जी। अश्वनी भाई, आप कार्रवाई करा लीजिए, उसकी भी चिंता नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो अपराधी नहीं होगा उसके साथ क्या होगा? पूरी बात आप बात नहीं सुनना चाहते, आप जवाब मस्ती से यहाँ बैठे हुए हैं। आपका सवाल मैंने सुन लिया, मैंने जवाब देना चाहता हूँ। अश्वनी भाई, अगर नैतिकता के आधार पर देखा जाए, कानूनी तौर पर देखा जाए, 1,000 स्क्वायर फीट के अंदर का अगर मकान है आवासी, तो उसके मानचित्र को स्वीकृत कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भी एक शासनादेश है। जगत नारायण सिंह अपराधी थे, वो योगी जी के चहेते थे, उन्होंने घृणित कृत्य किया, लेकिन दिखावे के लिए आपने उस आदमी का 900 वर्ग फीट का मकान गिराने का काम किया। क्या ये कानून सम्मत था? मैं सवाल आपसे उठा। ठीक है सर, आप अगर आप कानून की बात करेंगे, 900 वर्ग फीट का था, अगर मानचित्र भी स्वीकृत नहीं था, तो उस व्यक्ति के मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए था। ठीक है जावेद भाई, ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं आता हूँ। आमिर साबरी साहब हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं। साबरी साहब, शाही साहब कह रहे हैं कि जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो नियम के साथ ही हो रही हैं, नोटिस दी जा रही है और उन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो माफिया हैं, और इस कार्रवाई से जिन्होंने अपने घरों पर पत्थर रखे थे उन पत्थरों को भी हटाना शुरू कर दिया, उनके मन में भी एक डर आ गया। बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने इस बहस में मुझे शामिल किया। देखिए शाही साहब क्या कर रहे थे, शाही साहब ने दो बातें कही थी, पहले तो ये कि अवैध और दूसरे क्या अपराध। मैं शाही साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि जो अवैध मकान बन रहे हैं तो अवैध का परिभाषा क्या है, पहली बात तो हम ये जानना चाहते हैं शाही साहब से। दूसरी चीज, अपराधी की जो बात करी है, तो इन्होंने जो धरने प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे वो एनआरसी सीए में हुए हो, चाहे वो नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन हुए हो या आंदोलन हुआ हो या जुलूस निकाला गया हो, तो जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, ये कौन से अपराधी थे या ये कौन से अवैध मकान बने हुए थे? ये तो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई इसको कही जा सकती है, इसमें कोई अवैध या अपराध का मामला नहीं है। हम अवैध जो अपार्टमेंट बने हुए हैं उनका कतई विरोध नहीं करते हैं। आप बिल्कुल तोड़िए और जिम्मेदारी से तोड़िए और बल्कि उदंडता से तोड़िए, मैं आपका कतई विरोध नहीं करूंगा। लेकिन विरोध जब पैदा होता है या सवाल जब खड़े होते हैं कि जब वास्तव में एक समुदाय को टारगेट बना करके कार्रवाई की जाती है, मतलब आप कह रहे हैं कि समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। कानपुर हिंसा के बाद या प्रयागराज के, जैसे अभी जावेद साहब जिक्र कर रहे थे, आफरीन फातिमा का मकान उसके नाम था और जावेद के नाम पर तोड़ दिया गया, दो दिन पहले नोटिस चस्पा किया गया और कार्रवाई कर दी गई। सही बात है, मैं देख रहा हूँ बराबर के अवैध मकान तोड़े जा रहे हैं। मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता हूँ, पूरे प्रदेश की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लखनऊ की बात करूंगा।
आज एलडीए नोटिस लगाता है, उसको सील कर देता है कि ये एलडीए ने सील कर दिया है, दूसरे दिन उसमें फिर काम कहते शुरू हो जाता है, क्या दूसरे दिन वो वैध कैसे हो जाता है, मैं शाही साहब से सवाल कर रहा हूं। तीसरी बात जो शाही साहब ने कहा है, तो क्या सारे अवैध मकान, सारे अवैध अपार्टमेंट, सारे अपराधी विपक्ष में ही है? भाई सरकार के आपने कितने तोड़े हैं, सरकारी जो सरकार के नेता हैं, सरकार में शामिल है, उनकी कोई लिस्ट हो तो बता दीजिए शाही साहब जरा सी। शाही साहब मैंने पहले भी देखिए ये विक्टिम कार्ड, मैंने पहले कहा कि विक्टिम कार्ड मत खेलिए आप। आपको मैंने तीन चार जो चीजें थी, जगत नारायण सिंह का हो या प्रयागराज के और 150 बीघे का हो या नोएडा का हो, ये तो आप अपने नाकामी छुपाने के लिए ये नाम गिना रहे हैं। हमारा सवाल यही नहीं, हमारा सवाल ये कि सरकार के जो लोग हैं उनके नाम बताइए ना आप, ये तो विपक्ष के भी नाम हो सकते हैं भाई। विपक्ष में सब मुसलमान थोड़े ही है, विपक्ष में सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, यादव भी है। आप अपने लोगों के नाम बताइए, आपने सरकार के जो सभासद हैं, जो विधायक हैं, उनके कितने तोड़े हैं? अभी शहीदुल इस्लाम का जावेद भाई ने नाम बताया है, आप किसी भाजपा विधायक का बताइए आपने तोड़ा नहीं तोड़ा है? शाही साहब बोल रहे, जवाब दीजिए। हाँ शाही साहब देखिए, अभी अब मैंने जो गिनाया उसको तो आप सुन रहे, उसमें कोई आपको कोई वहां से मिला हुआ है कि मैंने कहा सहारनपुर में तोड़ा गया, नोएडा में तोड़ा गया, प्रयागराज में? मैंने उन इन घट उपद्रवियों से अलग हट के बताया, इसलिए मैं जानता हूं कि उपद्रवियों का बताएंगे तो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलेंगे। आपको कैसे पता कि ये सरकार के साथ है कि सरकार के खिलाफ है, सपा के हैं ये? अरे तो आप बता दीजिए, अगर ऐसा है तो मुझे मालूम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आपकी कहीं ना कहीं मिली भगत है उसमें। अरे मिली भगत तो भी जैसा जावेद भाई ने किया, जमीन तो लूना की और आपकी। सुनिए सुनिए, अरे जवाब सुन लीजिए, प्रभु जवाब सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा मैं जवाब दे रहा हूँ, तो सुन लीजिए। सरकार का आपने तो इतना मजम्मत कर दी उसकी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से उसी बातों का हलफनामा मांगा है। उस हलफनामे का आप इंतजार तो करिए, जो हलफनामे में क्या दिया है उसको देखिए क्या दिया है, वहां गलत हम नहीं दे सकते हैं। और वही दिया जाएगा जिसका मकान नोटिस के द्वारा गिराया गया होगा, हमने वही हलफनामा दिया है, हमने वही मकान गिराया है, वो चाहे किसी का हो। अब ये आप चश्मा लगाते हैं कि ये मुस्लिम है, ये सपाई है, ये बसपाई है, ये कांग्रेसी है, ये भाजपाई नहीं है, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। सरकार सबका एक नजर से देख के अगर जो गलत है वो प्राधिकरण या नगर निगम जो भी होता है वो काम करता है। भाई साहब हम चश्मा गिराए ही जाएंगे, और हर मामले में हिंदू मुस्लिम का चश्मा लगा देते हैं, चलवा देते हैं। बड़ा मसला ये है, बड़ा सवाल ये है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है साबरी साहब, हो गया। सुभाष यादव जी हमारे साथ जनता संघर्ष मोर्चा से। सुभाष जी आपने सबकी बातें सुनी, अब मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ मुस्लिमों पे ही कार्रवाई हो रही है या हिंदुओं पे कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? नितिन जी, जब डिबेट की शुरुआत हुई थी तभी अश्विनी भाई जी ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कुछ हिंदू लोगों के भी नाम गिनाए थे जिनके ऊपर भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। तो उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है किसी व्यक्ति विशेष, किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं हो रही है, पहली बात। दूसरी बात, मैं सारे लोगों की बात सुनी, इसके अंदर मैं आमिर साबरी जी की बात को बड़े गंभीरतापूर्वक सुन रहा था, क्योंकि बाकी जितने लोगों ने बातचीत सब युक्ति संगत बाकी थी। इन्होंने जो आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, और सीधा सीधा बोला कि एक समुदाय विशेष को ध्यान में रखकर ही बुलडोजर की कार्रवाई हो रही, इन्होंने उसके अंदर NRC का भी जिक्र कर दिया, इन्होंने उसके अंदर CA का जिक्र कर दिया, इन्होंने उसके अंदर धरना प्रदर्शन का भी जिक्र कर दिया। तो मैं साबरी साहब को जवाब ये देना चाहता हूँ कि मेरा भी एक छोटा सवाल है, ये पत्थरबाज, ये दंगाई एक ही समुदाय विशेष के क्यों होते हैं, दूसरे क्यों नहीं होते? नितिन जी आपने भी देखा होगा टीवी चैनल के माध्यम से, NRC के अंदर, CA के अंदर सिर्फ एक ही विशेष समुदाय के लोग ही धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे थे, दूसरे क्यों नहीं लोग गए भैया? अगर वो हित में नहीं था या अहित के अंदर था तो सारे लोगों को वहां पे जाना था ना, वहां पे एक ही समुदाय विशेष के लोग क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे थे? और हमारे प्रदेश के अंदर उस समय मैं जहां तक समझता हूँ पेंडिप एक्ट लगा हुआ था और 144 धारा लगी हुई थी, उस धारा के अंदर आप किस हिसाब से आप धरना प्रदर्शन कर रहे थे? आज भी देख लीजिए धारा 144 लगी हुई है, इसके अंदर आपको धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार का कुछ चीज करने के लिए सरकार से अनुमति है, 16 जून में भी लगी थी, पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन हुए। आपके बीच में मैं बोला क्या? नहीं नहीं, आप सुन लिया, आपके बीच में मैंने बोला, आप सवाल कर रहे हैं, जवाब तो दूंगा मैं, आपकी बारी आएगी तब बोलिए, जवाब दूंगा नहीं दूंगा, आपने जवाब आएगी तब बोलिए ना साहब, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास साहब, जब आप बोल रहे हैं मैं आपके बीच में नहीं बोला, सवाल जी पूरा कीजिए, आप जवाब दीजिएगा, आपकी बारी के अंदर जो सच्चाई उसकी बात पे कुछ चिड़ क्यों लगती है?
एनआरसी के अंदर कौन था? आपने जो एक तरफा एक हमला करना शुरू कर दिया। आपने फिर कैसे बोल दिया, आपने फिर कैसे बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार एक ही समुदाय के ऊपर कार्रवाई कर रही है? क्यों हमारा संविधान एक ही समुधाय नहीं, एक ही समुदाय पत्थरबाज क्यों नहीं करता है? हम धरने एक ही समुदाय पत्थरबाज क्यों नहीं करता है? धरने प्रदर्शन करेंगे। आप एक ही समुदाय पत्थरबाज क्यों निकलता है? सुनिए, एक सवाल, एक ही समुदाय दंगाबाज क्यों निकलता है? प्रदेश की जनता ने देखा, जनता ने देखा कि एक समुदाय के लोग ही अपनी छतों के ऊपर पत्थर रखते हैं, एक ही समुदाय के लोग पत्थरबाजी करते हैं, एक ही समुदाय के लोग दंगे करते हैं और फिर बाद में बोलेंगे एक समुदाय के सरकार एनआरसी और सीए के साथ में एक ही समुदाय के लोग बैठे हुए थे। प्लीज प्लीज एक एक करके प्लीज प्लीज साबिर साहब प्लीज 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 साबिर साहब एक एक करके भाई, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज। आप ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बार बार समुदाय एक एक करते हैं, एक एक करते हैं। सरकार कभी भी भेदभाव की कार्रवाई नहीं करती, जो गलत है वो गलत है, अपने पे डटे हैं, अपने पे डटे हैं। प्लीज एक समुदाय विशेष की बात करेंगे तो दंगेबाज पत्थरबाज सब एक ही समुदाय के मुसलमान लोग हैं जो तोड़िए, लेकिन आप धरने प्रदर्शन के नाम पे जब मुसलमानों के मकान तोड़ेंगे तो सवाल वाजिब है। ठीक है, दंगे फसाद में मुसलमान ही करते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं। अरे कहां तोड़े गए थे? एक कानपुर की हिंसा की आप बात कर रहे हैं। कानपुर में कौन थे? कानपुर में कौन थे? सारे दंगाई थे एक ही समुदाय के, एक ही समुदाय के दंगाई थे। अरे जो अराजकता थे वो भी पत्थर चला रहे हैं। फिर कानून में विश्वास रखिए ना, फिर कानून में विश्वास रखिए। आपको तो कानून के ऊपर विश्वास नहीं है। हिंदू मुस्लिम की चश्मे फिर वही बात, ये आपके पास यही बचा और कुछ बचा नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पूरा देश कानून पे भरोसा नहीं है आपको। देश की संविधान की व्यवस्था भरोसा नहीं है आपको, देश के कानून भरोसा नहीं, सरकार भरोसा नहीं है। जब देखो तब आप एक दूसरे को प्रॉब्लम लगाने प्रयास करते हैं। ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है प्लीज, ठीक है ठीक है प्लीज। नहीं छोड़ते प्लीज प्लीज प्लीज, अगर नहीं छोड़ते इतनी शांति से आप लोग रह नहीं पाते। 75 जिले अगर नहीं छोड़ते, अगर नहीं छोड़ते तो इतनी शांति से आप रह नहीं पाते। ठीक है ठीक है, रहने देना नहीं चाहते। तो आपके साथ में गलत किया क्या सरकार ने? क्या गलत कर रहे? क्या गलत किया सरकार ने आपके साथ में? क्या गलत किया? आपके बयान से ये आपके बयान से लगता है आप दंगाइयों के साथ हैं, आपके बयान से लगता है आप दंगाइयों के पक्षधर हैं, आपके बातों से लगता है कि आप पत्थरबाजों के समर्थक हैं। ठीक है प्लीज, यानी दंगाइयों को साथ दे रहे हैं। ठीक है ठीक है, शाही साहब क्या कह रहे थे? देखिए मैं अभी अपने हमारे आमिर भाई बैठे हुए हैं अभी, देखिए इन्होंने कई बातें एक साथ कहा, सोचने वाली बात है। सुभाष जी ने कहा कि आप बताइए कि क्यों हर जगह इन्हीं का समुदाय पाया जाता है। मैं कानपुर की घटना में वो करता हूँ, नमाज पढ़ के निकलते हैं लोग। अरे आमिर साहब सुन लीजिए, आमिर साहब इसका सुन लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आमिर साहब आप बीच में चिल्लाएंगे कहीं जाएगा नहीं आवाज। अरे सुनिए भाई, आप यहाँ पर यही पर आतंकवाद फैला रहे हैं, बौद्धिक आतंकवाद ये इसी को कहते हैं। मत चिल्लाइए थोड़ा सा, आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोला है। आप सुनिए, तलवारों और बंदूकों की ट्रेनिंग दी जा रही है क्या, ये भी तो बता दीजिए। अरे आप सुनिए, आप क्यों बौखला रहे हैं भाई, सुनिए तो जी, सुनिए। देखिए जब जुमे की नमाज पढ़ के एक शांति दूतों का समूह बाहर निकलता है, बाहर कोई नहीं रहता है, पुलिस वाले रक्षा करने के लिए उनके रहते हैं तो उन्हीं को मारना शुरू कर देते हैं। अरे आप जो इस देश में सीए आया, सुनिए सुनिए सीए का कानून, सारे सुन लीजिए, सारे सुन लीजिए, सारे सुन लीजिए भाई, साबरी साहब, साबरी साहब, अरे साबरी साहब प्लीज आप सुन लीजिए सारे सवाल, फिर एक साथ दीजिएगा जवाब। हाँ सवाल का जवाब दे दीजिएगा इकट्ठे, मैं सुन लूंगा, मैं नहीं बोलूंगा बीच में। बोलिए, सीए आया, आप लोगों ने किस तरीके से पूरे समाज को रास्ता रोक कर वहां पर प्रदर्शन किया वो सबने देखा। एनआरसी नहीं आया उसका भी प्रदर्शन किया आप लोगों ने। ये एक सोचनीय बात है कि आप लोग कल्पना भी कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसके लिए भी प्रदर्शन करते हैं, और जब कोई पक्ष नहीं रहता है तो पुलिस पर गोली लाठी चलाना शुरू कर देते हैं, डंडा और वो क्या नाम है ईंटा पत्थर चलाना शुरू कर देते हैं। और ये आप ही का समुदाय क्यों करता है? 26/11 में जब हमला होता है अमेरिका पर, वहां पर पढ़े लिखे शांति दूत क्यों पाए जाते हैं? ये चीजें आप सोचिए, ये सोचने वाली बात है जी। अरे इनकी बात कर लीजिए लोगन, अभी आप कानपुर में रहिए, कानपुर से ना निकलिए। हाँ जवाब दीजिए क्या? नहीं नहीं मैं कानपुर में ही हूँ। देखिए शाह जी, जो कानपुर की घटना ऐसी है सुन लीजिए, जो नमाज पढ़ के निकले किसी के हाथ में पत्थर नहीं थे, वो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस ने पत्थर चलाए और पुलिस की आड़ में अराजक तत्वों ने पेट्रोल पंप चलाए, पत्थर चलाए पुलिस ने, तो नीचता की इतनी हदें पार कर दी कि जो सड़कों में गाड़ियां खड़ी थी, मेरे पास वीडियो में दिखा देता हूँ, अपनी लाठियों से उनकी हेडलाइटें तोड़ी हैं, इंडिकेटर तोड़े पुलिस ने तमाम गाड़ियों के। और जो एनआरसी सीए की आप बात कर रहे हैं, बेगम हजरत महल पार्क पर मैं खुद मौजूद था,
अपनी आंखों से देखा मैंने कि पुलिस ने कैसे लाठियां चलाई और कैसे गाड़ियों में आग लगाई है। महाराज आंखें खोलिए और सच्चाई देखिए। मुझे आमिर साबरी जी के एक वक्तव्य पर पूरी तरह से आपत्ति है और पूरी जिम्मेदारी के साथ आपत्ति। उन्होंने जिस प्रकार बोला कि पुलिस की नीचता, मैं ये नहीं बोलता कि पुलिस गलत है। मैंने जिम्मेदारी से अगर एक व्यक्ति गलत है इसका मतलब क्या नहीं सारी पूरी गलत बात है। इन्होंने जिस प्रकार बोला कि पुलिस की नीचता, इन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को कटघरे के अंदर खड़ा कर दिया, बिल्कुल खड़ा किया है। इनके इस पूरे वक्त में आपत्ति दर्ज करता हूं। आप दर्ज करते रहिए। यही आतंकवादी की हरकतें होती है। एक व्यक्ति गलत है बोला था कि अगर एक व्यक्ति गलत है तो इसका मतलब पूरा मुस्लिम संप्रदाय गलत नहीं है। उस दिन भी मैंने आपका डिफेंस किया था। इसके तमाम लेकिन आप किस तरह पूरी अरे सुन लीजिए सोलह जून को प्रशासन को बोल रहे सुन लीजिए आपको पता शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए शर्म आनी चाहिए आपको बोल रहे नहीं चाहिए। सोलह जून को पुलिस की वजह से और आप पूरा नहीं प्लीज आपको शर्म नहीं आती। बिल्कुल 200 युवकों को बेशर्म की बात कर रहे हो। बिल्कुल बेशर्म की बात कर रहे हो। आप सब पुलिस की वजह से आप चैन से सोते बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। आप सब आप पुलिस से बेशर्म वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल बेशर्म वाली बात कर रहे हो। आप खुद बेशर्म वाली बात कर रहे हो। बिल्कुल आप सब सुनने जाते हैं। आपने क्या बोले आपने पूरे आप पुलिस के दलाल हैं। बिल्कुल आप लग रहे हैं बिल्कुल आप लग रहे हैं आतंकवादियों के दलाल हैं पूरी तरीके से। वो देखिए वो आपने शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। शब्दों की मर्यादा रखिए। नहीं ये गलत बात है। आप इस तरह से बात नहीं कर सकते। नहीं साबरी साहब शब्दों की मर्यादा रखिए प्लीज। नहीं नहीं ये गलत है। शब्दों की मर्यादा रखिए साबरी साहब। हाँ शाही साहब क्या कर रहे हैं साबरी साहब प्लीज पर्सनल आप अटैक किसी पर नहीं करेंगे प्लीज। पुलिस का पक्ष इन्होंने पुलिस की बुराई की और पुलिस का जो हमने पक्ष लिखा ये मुझे बोल रहे पुलिस का दलाल। इन्होंने मुझे पुलिस का दलाल बोला आपके चैनल के माध्यम से बोला है और प्रदेश की जनता देख रही है। इससे ये साबित हो रहा है कि कौन दलाल है कौन एक समुदाय का पक्ष ले रहा है। सुभाष जी सुनने नहीं जा रहे। सुन लीजिए पूरी बात मुझे कह लेने दीजिए। लखनऊ लखनऊ में पूरी तरह अमन है पूरी तरह शांति है। टीले वाली मस्जिद में 200 लोग लड़कों का युवा का पोस्टर आपने मुझे पुलिस का दलाल कैसे बोला। आप सुनने नहीं जा रहे। आपने बोला कैसे पुलिस का दलाल। हाँ बोला मैंने। कैसे बोला आपने पुलिस का दलाल। आपने कैसे बोला आपने मुझे देखा दलाल करते हुए। आपको शर्म नहीं आती बिल्कुल। बदतमीजों से बात करता बिल्कुल। साबरी साहब प्लीज आप किसी के साथ पर्सनल नहीं होंगे। ऐसे डिबेट नहीं होती प्लीज। हाँ नितेंद्र यादव क्या कह रहे थे। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई। इस तरीके की डिबेट हो रही सब पर्सनल एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। अरे किसी को गाली नहीं दी गई भाई। पूरी डिबेट सब सुन रहे हैं। किसी को गाली नहीं दी गई है। अरे किसको किसने गाली दे दी भाई। आप ऐसी बात कर रहे हैं। किसने किसको गाली दे दी। हमने कहा पर्सनल अटैक कर दिया किसी। अरे आप दूसरे को दलाल बोल रहे हो पुलिस का। ऐसे नहीं होता है प्लीज। हाँ नितिन भाई आज के मुद्दे पर आइए। आज के मुद्दे पर आइए। आज का ये जो डिबेट का स्तर है थोड़ा सा गिरा। हम जबकि अच्छे विद्वान लोग हैं कोई स्कॉलर है कोई मूर्छे का अध्यक्ष है तो लेकिन इस तरीके की भाषाएं बिल्कुल ठीक नहीं है। पर्सनल लाइफ मत होइए और किसी समुदाय को टारगेट करिए। व्यक्ति खराब हो सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था के ऊपर सभी जगह उठाया जा सकता है लेकिन पूरे पुलिस महकमों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और जिस प्रकार मैंने बोला आप सब लोगों ने सुना। प्लीज उन्होंने जिस प्रकार मुझे पर्सनल बोला कि मैं पुलिस का दलाल हूं प्लीज प्लीज अपने टर्न पे बोलिएगा। अरे ठीक है साबरी भाई अपने टर्न पे बोलिएगा प्लीज 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 साबरी भाई प्लीज 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 अपने टर्न पे बोलिएगा। मैं आऊंगा आपके पास। नहीं अगर आप कह रहे हैं कि लखनऊ में शांति थी तो शांति भी नहीं थी क्योंकि जब उस दिन जुमे की नमाज हुई तो नमाज निकलने के बाद नहीं मैं क्या कह रहा हूँ नमाज सुन लीजिए नमाज होने के बाद जब वहां से लोग निकले थे तो कहीं ना कहीं नारेबाजी हो रही थी। शांति तो नहीं थी। नहीं हम लोग वहां पर खबर कर रहे थे। ठीक है मैं आऊंगा आपके पास। हाँ तो नारेबाजी हो रही थी ना फिर आप शांतिपूर्ण कैसे कह सकते हैं। नारेबाजी हो रही थी। प्लीज नितेंद्र यादव अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं मेरा जवाब तो हो गया। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि आज का जो मुद्दा है बुलडोजर इसी पर आ जाए। और देखिए सुभाष जी से भी कि किसी एक कौम विशेष को सीधे सीधे जिम्मेदार मत ठहराइए। व्यक्ति सभी में अच्छे और बुरे होते हैं
और यही मेरा साबरी भाई से भी है कि हो सकता है पुलिस के जवानों ने, कुछ लोगों ने, हमने भी देखा, हम लोग तो अधिवक्ता हैं पैसे से, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है तो पुलिस डंडे वंडे चलाती है, किसी की लाइट भी तोड़ देती है, लेकिन उसमें पूरे पूरे पुलिस महकमों को भी आप मत शामिल करिए। और यही मेरा सुभाष भाई से भी कहना है कि पूरी पूरी कौम को मत आप इंडिकेट करिए, कुछ लोग अच्छे बुरे सभी समाज में होते हैं, वहीं तक सीमित रहिए। आज का मुद्दा जो है आप अपने मुद्दे पर डिबेट कराइए और इसी पर जो आप सवाल करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। आपने भी इस चीज को कहा था कि किसी विशेष वर्ग को लेकर के या किसी धर्म पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अपराधियों पर कार्रवाई हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक साबरी साहब से जब बात हुई तो उन्होंने इस चीज को इंडिकेट किया कि कई सारे जो प्रोटेस्ट हुए थे उस प्रोटेस्ट के बाद ही कार्रवाइयां हुई है, तो उनका तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये उन्होंने पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि हाँ एक विशेष धर्म के ऊपर ही कार्रवाइयां हो रही हैं। नहीं, मेरा मानना यहाँ अलग है, धर्म विशेष के लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करना अलग बात है और अवैध निर्माण गिराना अलग बात है। तो यहाँ मेरा इतना मानना है कि किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी के समर्थक को या विपक्ष को टारगेट करके जब सब पार्टी कार्रवाई करती है वो गलत है, लेकिन कोई माफिया है, कोई बिल्डिंग है जो अवैध निर्माण कर रहा है, सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहा है, वहां पर अगर बुलडोजर चल रहा है वहां तक तो ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन जैसा आज मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी किसी भी गरीब आदमी को विस्थापित करना है और आप पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं करेंगे और सीधे बुलडोजर चला के उनके मकान का ध्वस्तीकरण कर देंगे, ये निंदनीय है। दूसरा, बिना जाने जैसे कई बार होता है कि जो उसमें कानपुर की घटना साई जी उसमें कह रहे थे कि एक व्यक्ति एक घर में किराएदार था, एक मामले में वो वांछित हुआ, पुलिस ने बिना ये जाने कि ये मकान मालिक का घर है कि किराएदार का घर है, आपने उस पर बुलडोजर चला दिया, आज प्रशासन उस पर जवाब नहीं दे पा रहा है। और जब वो मकान मालिक अपना क्लेम लेकर के कोर्ट में खड़ा हो गया है, प्रशासन के पास गया है, लोग फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, कंप्रोमाइज की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए जल्दबाजी में कि आप तुरंत गए किसी का भी आप घर गिरा देंगे। तहकीकात करिए, अपने नियम के तहत कार्रवाई करिए, अगर वास्तव में कोई अपराधी है, और अपराधी भी उसमें यह भी देखा जाता है एज ए कि अपराधी ने अपराध के द्वारा अर्जित करके अगर ये संपत्ति बनाई है, तब ऐसा नहीं है कि अपराधी कोई व्यक्ति और पिता की कोई संपत्ति है या उसकी पत्नी की कोई संपत्ति है, उस पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते, ये भी नियम के तहत आता है। सिर्फ अपराध के द्वारा अर्जित की गई यदि संपत्ति है उसको आप ध्वस्तीकरण के तहत आप गिरा सकते हैं या अटैच कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो पुलिस जो है उन्माद में काम कर दे रही है। सरकार का उन्मादी जब व्यवहार होता है तो उसका आचरण फिर नीचे पुलिस पालन करती है, पुलिस की अपनी कोई हैसियत नहीं होती, पुलिस तो सरकार के आदेश पर काम करती है और सरकार का जो रवैया दिखता है उन्मादी वो जोश में होते हैं तो उसके तहत फिर कुछ गरीब आदमी भी और कुछ निर्दोष भी पिस रहे हैं, इससे बचना चाहिए। अगर आप अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं इस पर कोई आपत्ति मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन निर्दोषों को आप नहीं परेशान करें। और आज जो लगातार हो रहा है, मैं कई घटनाएं देख रहा हूं, उसमें तमाम निर्दोष, तमाम गरीब और तमाम शोषित पीड़ित लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, शाही साहब जवाब दीजिए, जवाब भाई इसके बाद आ रहा हूं। नितिन जी देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की बाइट अभी नितिन जी ने चलाई, उसमें स्पष्ट आदेश है कि किसी भी किसी को भी ऐसे व्यक्ति को परेशान न किया जाए, किसी भी गरीब को परेशान न किया जाए, लेकिन किसी भी अपराधी को और अवैध निर्माणकर्ता को छोड़ा भी ना जाए। बहुत स्पष्ट उत्तर प्रदेश का फंडा बहुत क्लियर है, हम एकदम सही दिशा में चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश। बाइट का अगला पार्ट भी दिखा दीजिए, जो हाँ पीड़ित परेशान है, बाइट को पूरा देख लीजिए, बस मेरा इतना कहना है। आज जो दिखाया कि मुख्यमंत्री जी का आदेश बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके आगे वाला पार्ट भी दिखा दीजिए जो बेचारे गरीब पीड़ित लोग परेशान है उस पर। मैंने सुना, लेकिन एक चीज देखिए उसमें एक चीज और आती है कि शहरों में जो मैंने धारा 27 का जो जिक्र किया, उस धारा 27 में वो भी आता है कि जो अगर शहरों में अतिक्रमण करके सड़कों के किनारे कहीं झोपड़ियां डाल लेते हैं, उनको विस्थापित करने की भी बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की, लेकिन वो भी गंदगी साफ करना है। आज हम लोग लखनऊ में रह रहे हैं, आज हर जगह नगर निगम ने, देखिए सरकार ने अच्छी योजनाएं चलाई हैं, उस योजना में अभी जब ये कोरोना आया था तो ये ठेले वाले और खोमचे वालों के लिए 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की लोन की योजना चली, उनके लिए आज जो
व्यक्ति उस योजना में है उसको नगर निगम एक जगह भी दे रहा है और उसके दुकान पर लिखा हुआ है नगर निगम द्वारा और वो वित्त पोषित जहां से है वो लिखा हुआ है वहां से उसको नहीं हटाया जाएगा। लखनऊ में कम से कम 50 जगह पर ये काम किए गए हैं, मैं खाली लखनऊ की बात कर रहा हूँ, ये है पूरे देश के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं वहां से अतिक्रमण भी हटा, मैं कहीं भी आप चले जाइए अतिक्रमण सड़कों पर, यहाँ पर हम 10 जगह बता सकते हैं। आलमबाग के पास टेढ़ी पुलिया देखिए किस तरीके से अवैध कब्जे में था हेले खोमचे वालों से, अभी टेढ़ी पुलिया इधर आकर देख लीजिए क्या नाम है कुर्सी रोड पर वहां पर किस तरीके से है। तो ये दो चार जो उदाहरण था ये सबको हटाने की बात है, ये सारे अवैध में आते हैं तो ये सारे अपराधी नहीं है, लेकिन जो अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं पुलिस तहकीकात करती है वो पाती है कि उनका ये मकान है और गलत बना है और उस गलत मकान को गिराने का पूरा अधिकार नगर पालिका को नगर निगम को और विकास प्राधिकरण को है। तो अतिक्रमण से क्या कहते हैं मुक्त कराने की बात जहां तक है ये भी विकास प्राधिकरण की चीज है। अब उस जद में चाहे गरीब आ रहा हो चाहे अपराधी आ रहा हो ये देखने वाली बात है, कोई किसी के साथ कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं कि इसका हटाओ उसका ले चलो। एक साथ अगर हटाना है, नगर निगम की पहले हल्ला गाड़ी नहीं आती थी, कोई विरोध करता था यही मुस्लिम का हटाया जा रहा है कि हिंदू का हटाया जा रहा है कि किसका हटाया जा रहा, नहीं होता था। लेकिन अब चश्मा बदल गया है, जो चीज नहीं है उसको विक्टिम कार्ड खेलकर बाहर बार बार सामने ले आया जाता है कि यहाँ योगी बाबा की सरकार है भाजपा की सरकार है और हमको जो है करेंगे हमको गिराएंगे। ठीक है सर, ये अभी स्पष्ट रूप से देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ पर मुस्लिम स्कॉलर के नाम पर बैठे हुए हैं लेकिन किस तरीके से कह रहे हैं कि पुलिस तो बड़े ये लोग इनोसेंट थे, पुलिस ने इनको निकलते ही पुलिस ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। क्या बात है भाई, पुलिस इतनी गिर गई है उसके बाद पुलिस को जो है नीचता कह रहे हैं। तो आप अगर अपने पुलिस पर अपने जो है किसी भी विभाग पर किसी भी तरीके के सरकारी अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे इसका मतलब कि आप एक जो है शांत और वो वातावरण में नहीं रहना चाहते हैं, आप किसी उग्रवाद को जन्म दे रहे हैं और उसके पोषक हैं आप, ये गलत है। आप कम से कम इसी बात की मजम्मत तो करिए। ठीक है जावेद भाई, शाही साहब बार बार विक्टिम कार्ड का जिक्र कर रहे हैं कि विक्टिम कार्ड करने की कोशिश करी जाती है, क्या कहना आपका? सोनी भाई जिस विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं उसी विक्टिम कार्ड को चिल्लाकर ही तो सत्ता में आए हैं। तो सवाल राजनीतिक दल तो अपने अपने ढंग से राजनीति करेंगे, अपने अपने ढंग से वो विचार देंगे और नारे लगाएंगे और जो नारा जनता के बीच में चल जाएगा। और ये जो बातें होती हैं राजनीतिक दलों की तरफ से ये पब्लिक का टेम्परेचर नापते हैं समय समय पर, और टेम्परेचर नाप कर आगे की दिशा और दशा ये तय करते हैं अपने भविष्य की योजनाएं बनाने का काम करते। जो अभी बात आई अवैध, अवैध कौन है, अवैध पर उस पर चर्चा हुई, आप अवैध पर गिराएं, इस पर बुलडोजर चले, इस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती कोई भी सरकार करे। लेकिन जब टाइमिंग का भी सवाल उठता है कि आपने ये कार्रवाई कब की, इस घटना के बाद की, उसके पहले प्रशासन सो रहा था, उन अधिकारियों पर कोड़ा क्यों नहीं चलता है, उन अधिकारियों पर भी तो कोड़ा चलना चाहिए जिन्होंने तहसील में बैठकर जमीनों पर कब्जे कराए, खतौनी में इंदिराज गलत कराया, इधर की जमीन उधर कर दी, अभी 150 बीघे जमीन एक जगह छुड़ाई गई, 30-30 साल तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 30-30 साल तक वो अवैध निर्माण चल रहा है। सवाल नितिन भाई यहाँ पर खड़े हो जाते हैं जी। कौन नहीं चाहता है कि देश के अंदर शांति हो, सड़कें साफ सुथरी हो, अवैध निर्माण ना हो, तारों का बिजली का लाइनों का जो जंजाल है ये इस तरीके से न फैला हो गलियों में, कौन नहीं चाहता है? कोई इसको दिल से स्वीकार करता है या इसकी वो इच्छा रखता है? कोई नहीं करता। सवाल इस बात का है कि आप टाइमिंग पे सवाल निश्चित रूप से उठेंगे, धर्म का सवाल जब आता है, मैं उस चीज को कहना नहीं चाह रहा हूँ, बात बहुत बढ़ जाएगी। देखिए धार्मिक मामले नहीं, जिस तरीके से प्रवोक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है 8-10 साल में, योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर, अश्वनी जी मेरी बात को नथा ना लीजिएगा, जिस तरीके से बहुत शानदार भाषण दिया लेकिन वो अपने विचारधारा अपने एजेंडे को उसमें शामिल कर ले गए। आज कौन ये जो आरोप लगते हैं मुसलमानों पर, मैं बहसियत मुसलमान भी कह रहा हूँ, किसी भी धर्म पर ये आरोप या जात बिरादरी पे नहीं लगना चाहिए। आज क्या है जन्मदर, हिंदू समुदाय में 1.99 की जन्मदर है, मुस्लिम समुदाय में 2% की जन्म दर है, आज आया ना बराबरी पर,
आज क्या क्या साधन है, क्या नाम कहा किसी धर्म का या किसी भी जात का लिया। नहीं नहीं आप बात समझिए ना नितिन भाई, देखिए प्रतीकों की राजनीति हो रही है पिछले 10-12 सालों में। शाही साहब यही कह रहे थे कि आप लोग प्रतीत पहले कर लेते। नहीं नहीं आप मेरी वो शब्द सुन लीजिए, प्रतीकों की राजनीति हो रही। इस प्रतीकों की राजनीति ने देश के हमारी परंपराओं को, हमारी सभ्यता और संस्कृत को और हमारी व्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाने का काम किया है। जावेद भाई एनआरसी भी प्रतीकों की निशानी है क्या? अजी एनआरसी भी उसी प्रतीक की निशानी है क्या? जो आया ही पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में आंदोलन। आप अश्वनी भाई सालों से मेरे विचार मेरे साथ हम लोग साथ बैठे हैं, मैंने तो पार्टी की लाइन के विरुद्ध जाकर भी अपनी बातें रखी हैं कि जो देश हित में है उसको मानना चाहिए। लेकिन ये बताइए हमको अश्वनी भाई कि जनसंख्या नियंत्रण पर आपने बहुत शानदार बात की, किसने रोका है आपको कानून बनाने से? लगातार 5 वर्षों से योगी जी कह रहे हैं पंचायत चुनाव में, मैं तो कह रहा हूँ एक बच्चे की देश में जनसंख्या के लिए आप कानून बनाने का काम करिए, वो पंचायत प्रतिनिधियों पर ही क्यों लागू हो, वो देश के सांसद और विधायकों पर क्यों ना लागू हो, वो देश के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर क्यों ना लागू हो, उनको भी पायलट प्रोजेक्ट कहीं एक ही जगह लागू होता है, पूरे देश में थोड़े लागू हो जाता है जावेद भाई। पायलट प्रोजेक्ट नहीं है ये, आप ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई योजना नहीं है। इस योजना को देश की जनसंख्या क्या खाली एक जिले में बढ़ रही है कि एक प्रदेश में बढ़ रही है? ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि अब योगी जी ने तो सवाल उठा दिया कि देश के मूल निवासियों की संख्या ना घटने पाए और दूसरे लोगों की बढ़ने ना पाए, तो क्या योगी जी उस एजेंडे पर अभी जनसंख्या नियंत्रण पर चल दिए और अपना वो विक्टिम कार्ड खेल दिया योगी जी ने जो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण की राजनीति ने ब्राह्मणों को कहा था। जावेद भाई आमिर साहब ने कह रहे योगी जी ने ब्राह्मणों को कहा था भाई ब्राह्मणों की संख्या बड़ी है खाली। अब वो आमिर भाई दोस्त है अच्छे वक्ता है, आज वो पता नहीं कहा जज्बात में आ गए, बहुत अच्छे लेखक भी हैं, हमारे भाई की तरीके से हैं, इसको धार्मिक नजरिए से क्यों देखने का प्रयास कर रहे हैं? अब बताएं ये चर्चा ये किसको संदेश दिया योगी जी ने कि मूल निवासी कौन है, कौन भारत का मूल निवासी नहीं है, ये किस तरफ संकेत जा रहा है? ये संकेत जो है आपके अच्छे कामों को भी जो है कलंकित करने का काम करते हैं। कितनी राजनीति करेंगे, बेरोजगारी महंगाई कानून उखली हुई कानून व्यवस्था को आप पर्दा डालने के लिए इस तरीके की बातें, उससे राष्ट्र का हित नहीं होने वाला है। राष्ट्र का हित जब होगा सोनी भाई, जब हमारी भी आप सुनेंगे, नितिन भाई की भी सुनेंगे, आप आमिर भाई की भी सुनेंगे, सुभाष जी की भी सुनेंगे, जब हम आप सबकी सुनेंगे। मैं तो शांति से सबकी सुन रहा हूं, हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, कोई एक दूसरे के कोई अपमानित नहीं कर सकता है। और धर्म इतना कमजोर नहीं होता है कि अगर अश्वनी भाई हमको गाली देंगे तो हमारा धर्म अपमानित हो जाएगा। अगर धर्म किसी का इतना कमजोर है तो फिर वो धर्म मानवता को क्या शिक्षा देगा? धर्म तो कोई हो वो सहिष्णुता की बात करता है, वो समता और ममता की बात करता है। क्यों ये भेद किया जा रहा है? कार्रवाई कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कीजिए, सरकार के आदेश पर कीजिए, लेकिन अवैध संपत्तियां तो बीकेटी में जाइए, कितने अधिकारी हैं एक से एक बड़े, आज वो रिटायर्ड हो गए, जितना उन्होंने 5 अपनी जीवन में नौकरी में कमाया होगा उससे कई गुना बड़ी हैसियत के उनके फार्म हाउस है, बाराबंकी रोड पर निकल जाइए, फार्म हाउस है, क्या किसी पर कोई कार्रवाई हो रही है? ठीक है, मैं आऊंगा। हाँ सुभाष जी क्या कर रहे थे? नितिन जी मैं ये बोलना चाह रहा था कि नितेंद्र जी ने जो सवाल उठाया था और जो उन्होंने मुझे भी बोला था और मुस्लिम स्कॉलर साबरी साहब को बोला था, तो उसी बात पे मैं आना चाहता हूँ कि सवाल सुभाष यादव ने नहीं उठाया था। इस डिबेट के अंदर जब सवाल पूछे गए तो सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हों, चाहे नितेंद्र जी हों, चाहे जावेद भाई हों, तीनों लोगों ने यही बात बोली थी कि किसी भी कार्रवाई को किसी धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लेकिन उसके उलट आमिर साबरी जी ने उस कार्रवाई को धर्म के उलट चश्मे से देखा और उन्होंने एनआरसी और सीए का जिक्र किया। नितेंद्र भाई सुनिएगा इसको ध्यान से और सवाल का आप भी जवाब दीजिएगा, और आप ही नहीं आप तीनों लोग बोलिएगा इस चीज को। जब इन्होंने ये चीज बोली तो सिर्फ मैंने यही बोला था क्या एनआरसी और सीए के जो धरने प्रदर्शन हुए थे उसके अंदर नितेंद्र भाई गए थे या अश्विनी भाई गए थे या नितिन जी गए थे या सुभाष यादव गया था? मेरा क्वेश्चन मार्क था उसमें एक ही समुदाय के लोग क्यों, प्लस
जब इन्होंने ये बोला कि पुलिस नीचता पर उतर आ गई थी, इन्होंने जो पूरे पुलिस विभाग की बात की और उसके इनके ऊपर उस बयान के ऊपर जब मैंने आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने जो पर्सनल मुझे बोला कि मैं पुलिस का दलाल हूं, क्या ये बोलना सही था? इस सवाल का जवाब मैं आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूँ। नहीं, उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, निंदनीय है। नहीं, मैंने देखिए इस बात का पहले ही खंडन किया कि देखिए किसी भी डिबेट पर कोई भी व्यक्ति खराब हो सकता है, कोई समुदाय खराब नहीं होता है, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे हमारे इस्लाम को मानने वाले भाई लोग हों, व्यक्ति खराब हो सकते हैं, लेकिन उसी समुदाय में अच्छे लोग भी होते हैं, तो व्यक्ति को कहा जाए। और वही मैंने आमिर भाई को भी कहा कि नहीं, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए, आप किसी को दलाल कहें, वो आतंकवाद का दलाल कहें, ये भाषा ही नितिन जी, यही जावेद भाई भी बैठे हुए हैं, जावेद भाई को भी उनको तो बुरा नहीं लगा इस बात का, मुझे जवाब देना था, लेकिन आमिर साहब को बुरा क्यों लग गया? ये दोनों में देखिए यही फर्क है, बिल्कुल अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा भाई, नितिन जी, नितिन जी, जी जी कहीं जोश में बोल गए होंगे तो उसको भी हो सकता है अपने आप लोगों के भाई ऐसे नहीं थे आज वो आमिर भाई आज का सवाल था भटक गए आवेश में आ गए। मैं सुभाष जी से व्यक्तिगत रूप से आमिर भाई की तरफ से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। सवाल आपने उठाया, मैं 10 सेकंड में वो भी बात करती हूँ। व्यक्तिगत हमले हम लोगों को नहीं करने चाहिए, आखिर समाज हमको देखता है, हमारी बातों को सुनता है, हम लोग को तो नहीं कहना चाहिए। तो ये एनआरसी ने आपने कहा केवल एक समुदाय के उसके पीछे कारण है। देखिए सुभाष जी, आप स्पष्ट देखते हैं, सही बात है, ठीक है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जब योगी जी ने जिस तरीके से जनसंख्या नियंत्रण दिवस पर वो भाषण दे दिया, उसमें एक शब्द निकला, तो जब राजनेता इस तरीके की भाषा का कहीं उपयोग कर लेता है तो लोगों के अंदर डर और भय रहता है। आज वो डर और भय न उत्पन्न हो, सरकारें और राजनेताओं का, हम सब लोगों का ये सोचना रहे कि हम सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ें, हम नकारात्मक को छोड़ने का, उसका त्याग करने का काम करें। हम सब आखिर हैं कहाँ, योगी जी की बात माने कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी की जो कहते हैं सबका डीएनए एक है, तो योगी जी 15 दिन बाद बताने लगते हैं कि मूल निवासी कुछ और हैं, दूसरे लोग यहाँ पर आके काबिज हो गए। तो यहाँ जब भ्रम होता है तो लोग अपने अपने ढंग से विचार करते हैं, तो उस विचार में कहीं ना कहीं इस तरीके की निगेटिविटी आती है जिससे इस तरीके का वो आवेश और आक्रोश उत्पन्न होता है। ठीक है, ठीक है। लेकिन हम लोगों को चाहिए कि निश्चित रूप से जहाँ समता है, जहाँ ममता है, जिसे समन्वय हो सकता है, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना। ठीक है, ठीक है, जाओ साबरी साहब अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए भाई, सुभाष जी को हमारी क्या बात खराब लगी क्या नहीं लगी एक अलग बात है, लेकिन जब बात आ रही थी कि एनआरसी सीएम है एक ही समुदाय क्यों, तो मैं सवाल सुभाष जी आप ये बता दिए बड़े भाई कि एनआरसी सीए के एक समुदाय के अलावा भी कोई टारगेट किया गया था? और जहां तक सिर्फ एक 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानपुर में जो हिंसा हुई है उसी चीज़ को लेकर के तमाम चैनलों पर डिबेटें हुई, आप बता दिए 16 जून को, 3 जून के बाद 16 जून को पूरे देश के अंदर हिंसात्मक प्रदर्शन हुए। हम पूछना चाहते हैं अपने सारे पैनलिस्टों से, विशेष तौर से शाही साहब से, कि आप बताइए कितनों के घरों पर बिल्डोजर चला, कितनों पे कार्रवाई हुई कानूनी तौर से? आप शाही जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप बताइए क्या वो सुनिए पूरी बात, तमाम स्टेशन तोड़ी गई, एक से एक वीआईपी एसी गाड़ियां जलाई गई और उसके बाद तमाम बसें फूकी गई, आप बताइए, जबकि खुले चेहरे भी उनके थे, कोई वो पर्दा भी नहीं लगाए हुए थे, कोई रुमाल से मुंह भी नहीं ढके हुए थे, क्या उनको पहचान करके उनके घर पर बिल्डोजर आज तक चले? अब राजस्थान का मैं नहीं कह सकता हूं आमिर भाई, लेकिन मध्य प्रदेश और आसाम का तो मैं कह सकता हूं कि उन लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए, जहां जहां बिहार में हुए, उत्तर प्रदेश में हुए, क्या राजस्थान में हुए? अश्वनी भाई, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों के घर बुलडोजर चला, क्या ये सच नहीं है कि उनकी जब जमानत हुई तो उनका स्वागत भाजपाइयों ने किया? क्या ये सच नहीं है? तो ये अपराध, अब अपराधी के बीच में वर्गीकरण करना, उसको अलग अलग पैमाने पर नापना, ये भी तो हम सबके लिए उचित नहीं। ठीक है सुभाष जी, नहीं जो आमिर साहब ने बोला, अपने आमिर भाई ने आपने शायद सुना नहीं, आपने ही एनआरसी और सीए की बात की थी, मैंने नहीं की थी, नहीं, मैंने स्वीकार किया ना, लेकिन मैंने ये भी तो कहा था आपसे कि भाई इसके किस समुदाय के लिए ये लागू किया गया था या किस समुदाय को टारगेट किया गया था, मैंने ये सवाल वो भी शाही साहब से करा था, आपसे नहीं, क्योंकि वो सरकार में है, आप सरकार में नहीं है, आप हमारे भाई है, लेकिन हमने सरकार से सवाल किया है कि जो एनआरसी सीए आया या जो हिंसात्मक घटनाएं हुई है, तो वो हिंसात्मक घटना उसके 15 दिन बाद
क्यों हुई है? समय कम है, आपकी बारी हो गई, मेरी बात सुनिए, थोड़ा जवाब ले ले फिर खत्म करते हैं। आमिर साबरी साहब, आप शायद याद नहीं होगा, आप भूल गए होंगे, आप ही डिबेट के अंदर बैठे हुए थे और एक और मुस्लिम स्कॉलर थे, और जब उदयपुर हत्याकांड की बात हुई थी और तब मैंने यही बात बोली थी कि अगर एक मुस्लिम व्यक्ति ने अगर गलत कार्य किया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मुस्लिम धर्म गलत है, एक व्यक्ति की वजह से पूरे मजहब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैंने उस दिन भी ये बात बोली थी और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं। लेकिन आपने जिस प्रकार एक पूरे विशेष को टारगेट करके आपने पूरे पुलिस विभाग को जिस प्रकार आपने बोला कि पुलिस विभाग पूरी नीचता पे आ गया था, उस पर ही मैंने आपत्ति दर्ज कराई थी। लेकिन आप उत्तेजित होकर जो आपने मुझे पुलिस का दलाल बोला वो बोलना उचित नहीं था, क्योंकि आप स्कॉलर हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर्सनल कभी नहीं हुआ जाता, बातों का जवाब तर्कों से दिया जाता, आपने वो गलती की। ठीक है, ठीक है, आमिर भाई इसको स्वीकार कर लेंगे, बड़े दिल के व्यक्ति हैं और क्षमा मांग लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई, अगर सुभाष जी को अगर कुछ मेरी बात गलत लगी है तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और क्या भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हम हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। हम फिर वही बात दोहराते हैं, लखनऊ बहुत शांति में नजर आता है, यहाँ भी पुलिस ने माहौल खराब कर दिया, नाकाम कोशिश की। सुभाष भाई भी क्षमा करें, ठीक है, सभी सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो एक बार फिर से जो सरकार की तरफ से बुलडोजर की कार्रवाई है वो चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसमें कोई भी अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, 10 अगस्त को फिर से सुनवाई होगी, हलफनामा मांगा गया है, इसके पहले भी जवाब मांगे गए थे, जवाब भी सरकार की तरफ से दिए गए, और ये कहा गया कि सारी कार्रवाइयां नियम अनुसार ही हो रही हैं। देखना अभी होगा कि 10 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, और ये चर्चा लगातार चलती रहेगी कि आखिर ये बात क्यों उठकर आ रही है कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ एक विशेष वर्ग को लेकर के ही हो रही है। इस पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। फिलहाल आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दिनेंद्र, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।